ओम शांति। हमारा लक्ष्य संपूर्ण फरिश्ता बनना है। क्यों है ये हमारा लक्ष्य? क्योंकि हमें संपूर्ण पवित्र निर्मल बनकर अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल करना है। और ये भी हमें क्यों करना है? क्योंकि इसके द्वारा विश्व की महान सेवा होगी, इसके द्वारा ही प्रकृति की बहुत बड़ी सेवा होगी, प्रकृति अपनी सत्वप्रधान स्थिति को प्राप्त करेगी और बहुत बड़ा कार्य इसके द्वारा होगा। ऐसी धर्मों की आत्माएं जो फरिश्तों में विश्वास रखती हैं, उन्हें हम अपने फरिश्ते स्वरूप के द्वारा बाबा का संदेश दे सकेंगे, ज्ञान दे सकेंगे और उनको उनके परम पिता के समीप ला सकेंगे। और तीसरी बड़ी चीज कि इसी स्थिति के द्वारा हम विभिन्न स्थानों पर जाकर अनेक आत्माओं की समस्याओं का समाधान कर सकेंगे, उनके दुखों को समाप्त कर सकेंगे, उन्हें निरोग कर सकेंगे, उनके घर के अशांति के माहौल में शांति के वाइब्रेशन फैला सकेंगे। तो ईश्वरीय सेवा की दृष्टि से भी और संगम युग के संपूर्ण सुखों को पाने के लिए भी हमें फरिश्ता बनना है। और इससे भी बड़ी बात कि स्वयं भगवान का आदेश है, उसे कुछ फरिश्ते चाहिए जो विश्व का कल्याण कर सकें। तो अपने में उमंग भरें, मुझे बाबा का ये महान कार्य करना है, बाबा की श्रेष्ठ कामना को पूर्ण करना है। हम संगम युग पर यदि भगवान की कामना को पूर्ण करते हैं तो जन्म जन्म वो हमारी सभी कामनाओं को पूर्ण करता रहेगा। यदि हम उसके महान कार्य में सहयोगी बन गए तो जन्म जन्म हमें उसका सहयोग प्राप्त रहेगा, बाकी तो कुछ काम आने वाला नहीं है। नहीं संसार की कोई बातें धन संपदा साथ चलने वाली हैं। तो पहली प्रैक्टिस करेंगे, स्वयं को कहीं भी उलझाएंगे नहीं। जिन्हें फरिश्ता बनना है वो मुक्त करें अपने को, वो किनारे छोड़ें, देख लें बच्चों में फंसे हैं, काम धंधे में फंसे हैं, धन संपदा में फंसे हैं, लोग लालच में फंसे हैं, मान सम्मान में फंसे हैं या सेवाओं में फंसे हैं। मुक्त करना आना भी बुद्धिमानी है। जो मनुष्य स्वयं को फंसाता जाता है उसे तो कोई भी बुद्धिमान कहेगा नहीं। जो मुक्त कर दे वही दिव्य बुद्धि से संपन्न है, वही समझदार ज्ञानी और योगी है। दूसरी बात, अपने मनोविकारों पर विजय प्राप्त करते चलें। काम वासना शांत होती चले, कर्मेंद्रियां शीतल हों, इसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं देवकुल की पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। क्रोध को भी छोड़ते चलना है, क्योंकि क्रोध भी यह पवित्रता है। क्रोध से इकट्ठी की हुई शक्तियां नष्ट होती रहती हैं, क्रोध से हमारी बुद्धि की दिव्यता समाप्त होती रहती है। और अहंकार पर भी बहुत ध्यान देना है। सूक्ष्म मैपन, मैं राइट हूँ, ये मनुष्य को परेशान करता है, नीचे उतारता है, दुविधा में लाता है। इस मैपन से भी स्वयं को मुक्त करते चल, ये मैपन भी कहीं ना कहीं हमारे पुरुषार्थ में बाधक बनता है। साथ में मन पर कोई भी बोझ भी नहीं रखना है, क्योंकि बोझ रखने वाले तो फरिश्ते बन ही नहीं पाएंगे। बोझ सब समर्पित करें, तो समर्पित हो जाएं, साक्षी भाव में स्थित हो जाएं, मनोविकारों से मुक्त हो जाएं और अपने महान कर्तव्यों की स्मृति रखें।
तब हम फरिश्ते स्वरूप की स्थिति की ओर बढ़ेंगे। तो आज सारा दिन अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप को सामने देखो, आपके सामने जो दीवार है उस पर चित्रित कर दो, मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप ऐसा है, धरती से ऊपर अंग अंग से फैलता हुआ प्रकाश, बुद्धि निरंतर बाबा से जुड़ी हुई, उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मेरे मस्तक से चार ओर लाइट माइट फैल रही है और अपने को फीलिंग देंगे ये फरिश्ता मैं हूँ। हर घंटे में एक बार अपने सुंदर स्वरूप को इमर्ज करेंगे। ओम शांति।